हेलो एवरीवन, आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं जो आरएमसी के इंटरव्यू में बच्चों से पूछे गए सवाल हैं। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, तो हर एक इंटरव्यू में बच्चे से पहले ये पूछा जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सो देर इज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट, कुछ स्टेप्स हैं, अगर वो बच्चे याद करें तो अपना इंटरव्यू बहुत इफेक्टिवली या अपना इंट्रोडक्शन बहुत इफेक्टिवली दे सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बच्चे अपने नाम से स्टार्ट कर सकते हैं, माई नेम इज़ सो एंड सो एंड आई एम सो एंड सो। ठीक है, आप माई सेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, माई सेल्फ सो एंड सो इज़ नॉट गुड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, देन द प्लेस यू बिलोंग टू, देन अबाउट योर फैमिली, देन अबाउट योर हॉबीज़ एंड एट लास्ट योर फ्यूचर एम। तो अगर आप इस फॉर्मेट में चलेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे से पूछा गया, वो पूछा गया एड स्ट्राइक के ऊपर, जो हम लोगों ने रिटेलिएट किया, जो पाकिस्तान में जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद, उन्होंने जो पुलवामा अटैक किया था, तो उसके रिटेलिएशन में हम लोगों ने एड स्ट्राइक करवाए। तो ये करंट अफेयर का सवाल है और बच्चों से पूछा गया, तो एड स्ट्राइक के ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई करने की ज़रूरत थी बच्चों को। तो पूछा गया कि क्या हुआ था, कौन से एरियाज़ में हम लोगों ने अटैक किया, ये सारे सवाल बच्चों से पूछे गए, कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स हम लोगों ने यूज़ किए, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो बच्चों से पूछा गया वो था LOC के बारे में, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में। तो बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉर्डर एरियाज़ कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और ये बॉर्डर लाइंस कौन कौन सी हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसे कहते हैं, कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों से साइंस से रिलेटेड पूछा गया, तो जितने भी फिनोमिना है जनरल, ज़्यादा डिटेल या डीप क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, जितनी भी फिनोमिना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम इंटरव्यू में आते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों से इस बार जो पूछा गया वो था फोटोसिंथेसिस, तो किसी बच्चे से ट्रांसपिरेशन पूछा गया, किसी बच्चों से कुछ और रिएक्शंस पूछी गई या और कुछ प्रोसेस पूछी गई। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे रेड क्लिफ लाइन इज़ अ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस बॉर्डर लाइन को हम रेड क्लिफ कहते हैं। तो इस बार बच्चों से रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन पूछी गई, और भी बहुत सारी बॉर्डर लाइन्स हैं जो बच्चों को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सैनिक स्कूल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या मिलिट्री स्कूल्स के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट था वो सैनिक स्कूल से था, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप लोग अपने नाम के पहले कैडेट क्यों यूज़ करते हो। ठीक है, तो उसका नाम कैडेट सुमित नेगी है बच्चे का, तो उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने कैडेट क्यों यूज़ किया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब जनरल सवाल आपकी फैमिली से रिलेटेड पूछते हैं, आपकी फैमिली में आपके फादर या जो भी हैं उनके क्या प्रोफेशंस हैं, उसके अलावा आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, ना आपके पेरेंट्स आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, ऐसे सवाल बच्चों से पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसने आपको मोटिवेट किया RIMC ज्वाइन करने के लिए या लेटर ऑन डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। ओके, अच्छा, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फिनोमिना है साइंस के, तो फिजिक्स से स्पेसिफिकली बच्चों से पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। रिसेंटली आपने देखा जो 3 नए स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन 3 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो इस बार बच्चों से पूछा गया चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ जनरल फिनोमिना बच्चों से पूछे जा सकते हैं कि बर्फ़ गिरती है तो गर्म क्यों होता है, या वाई वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स, ये कुछ जनरल क्वेश्चन हैं साइंस के जो बच्चों से पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके अलावा करंट अफेयर्स में इलेक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं, तो हु इज़ द इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे सवाल बच्चों से इंटरव्यू में पूछे गए। ओके, एंड एट लास्ट, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन आर्मी देन हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी तो नेवल स्टाफ, एयरफोर्स तो एयरफोर्स स्टाफ, और उनकी रैंक्स, ठीक है,
तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस में उनकी रैंक्स मालूम होनी चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये आपसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि आरएमसी में कैसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में बच्चों से पूछे गए, तो कुछ पॉइंट्स जो मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की उसको नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो और कुछ साइंटिफिक नॉलेज भी उसको होनी चाहिए, तो उसके सब्जेक्टिव बेस्ड नॉलेज भी बच्चों से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों से कभी कभी मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए, ठीक है। तो एक आरएमसी एक बहुत ही डायनेमिक एग्जाम है, तो आपको उसके अनुसार तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट।